गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्टोरी स्ट्रीम यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कशन करने वाले हैं 18 और 19 दिसंबर के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे 2023। इंटरनेशनल माइग्रेंट डे हम कब मनाते हैं? हम हर साल 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाते हैं। सौरभ जो ग्लोबल प्लेटफॉर्म रिकॉग्नाइज एंड अप्रिशिएट द सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशन ऑफ माइग्रेंट्स, जो माइग्रेंट्स हैं उनका रिकॉग्नाइज करने के लिए ये डे मनाया जाता है। हर साल 18 दिसंबर को इंटरनेशनल माइग्रेंट्स डे मनाया जाता है। और जो इस 2023 का इंटरनेशनल माइग्रेंट्स था उसका थीम क्या था? उसका थीम था प्रोमोटिंग सेफ माइग्रेशन, उसका इस साल का ये थीम था। जो कंट्री से हायर माइग्रेंट्स है उसका कौन कौन से हायर माइग्रेशन रेट्स जो है कंट्री का, टॉप पर है यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए, जिसका जो पॉपुलेशन है 331.4 मिलियन, उसका 15% जो है वो माइग्रेंट्स है। उसके पॉपुलेशन के 15% लोग जो हैं वो माइग्रेंट्स है और ये टॉप स्टेट्स हैं माइग्रेंट्स रेट्स में। मैक्सिको कॉन्स्टिट्यूट द लीडिंग ओरिजिन कंट्री ऑफ यूएस इमिग्रेंट्स, जो यूएस इमिग्रेंट्स में है मैक्सिको से ज़्यादा भी नहीं है, जो कि 25% है। जो जितने भी माइग्रेंट्स पॉपुलेशन है, इमिग्रेंट पॉपुलेशन है, उनका 25% मैक्सिको से बिलोंग करते हैं। जर्मनी जो है 15.8 मिलियन, उसका सेकंड दूसरे स्थान पर है। और सऊदी अरेबिया जो है 13.5 मिलियन, तीसरे स्थान पर है। और जो इंडिया है इज द फर्स्ट फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ नेटिव्स लिविंग एब्रॉड, जो इंडिया है उनका जो नेटिव्स लोग हैं वो एब्रॉड में जो रहते हैं वो उसमें लीड करता है। लगभग इंडिया के 17.9 मिलियन पीपल जो कि बाहर रहते हैं, हमारे इंडिया से बाहर रहते हैं। दूसरे स्थान पर है मैक्सिको जिसका 11.2 मिलियन, और तीसरे स्थान पर है रशिया जिसका 10.8 मिलियन लोग बाहर रहते हैं। वेटरन मराठी एक्टर रविंद्र बर्दे पासेस अवे एट द एज ऑफ 78, जो मराठी एक्टर हैं रविंद्र बर्दे, उनका 78 साल की उम्र में देहांत हो गया। ही वॉज द ब्रदर ऑफ लेट एक्टर लक्ष्मीकांत बर्दे, जो उनके भाई थे लक्ष्मीकांत बर्दे, उनके छोटे भाई थे वो रविंद्र बर्दे। वॉज ए पॉपुलर फेस इन बोथ हिंदी एंड मराठी सिनेमा एंड एपियर फिल्म सच एज मैंने प्यार किया और हम आपके कौन, ऐसी फिल्म में उन्होंने अपियर किया, उनका वहाँ पर रोल किया है। जो रविंद्र बर्दे वर्क एक्चुअली इन द मराठी सिनेमा, वो मराठी सिनेमा में बहुत ही ज़्यादा वर्क किया है और ऑल्सो मेड सम स्पेशल में हिंदी फिल्म्स में भी उन्होंने काम किया है। शेख नवाब अल अहमद अल साहब कुवैत तैमर, जो कुवैत के एमआर है शेख नवाब अल अहमद अल साहब, उनका देहांत हो चुका है 86 साल की उम्र में। जब उनका देहांत हुआ इंडिया ने एक वन डे स्टेट मॉर्निंग का ऐलान किया था, जो हमारे होम मिनिस्टर उन्होंने कहा था कि इंडिया उनको ऑनर करने के लिए एक डे का स्टेट मॉर्निंग मनाएगी, ऑब्जर्व करेगी, जो इस संडे को हुआ था वो किया गया था 17 दिसंबर को। और उनका देहांत कब हुआ था? वो 16 दिसंबर 2023 को उनका देहांत हुआ था और इंडिया ने उसको 17 दिसंबर को एक स्टेट मॉर्निंग के रूप में ऑब्जर्व किया था उनको ऑनर करने के लिए। ड्यूरिंग द स्टेट मॉर्निंग ऑन 17 दिसंबर द नेशनल फ्लैग विल बी फ्लोन एट ए हाफ मास्ट एज ए मार्क ऑफ रेस्पेक्ट, और उनको रेस्पेक्ट करने के लिए जो हमारा इंडियन नेशनल फ्लैग है वो हाफ मास्ट में फ्लोन किया गया था और उसको फ्लोन किया गया था। इन अलाइनमेंट विद द सोलमेंट्री ओकेजन द गवर्नमेंट हैज डिक्लेयर सस्पेंशन ऑफ ऑल ऑफिशियल एंटरटेनमेंट ऑन द डे ऑफ मॉर्निंग, और उसी दिन जो 17 दिसंबर को था वहाँ पर जो कि सभी जो ऑफिशियल एंटरटेनमेंट वगैरह हैं उनको सस्पेंस भी किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। एस्टर मेडिसिटी क्लेम्स द नंबर वन स्पॉट एज इंडिया लीडिंग एमर्जिंग हॉस्पिटल, इंडिया लीडिंग एमर्जिंग हॉस्पिटल में एस्टर मेडिसिटी जो है उन्होंने नंबर वन स्पॉट को क्लेम किया है और पहले स्थान पर है। जो एस्टर मेडिसिटी है लोकेटेड इन कोची केरला, कोची केरला में जो है एस्टर मेडिसिटी वो एंड यूनिट वो एक यूनिट है, एस्टर डीएम हेल्थ केयर का वो एक यूनिट है जो कि कोची केरला में है। उन्होंने एमर्ज फ्रंट रनर इन द हेल्थ केयर इंडस्ट्री, जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वहाँ पर उन्होंने पहला स्थान जो कि लीडिंग एमर्जिंग हॉस्पिटल की कैटेगरी में वो पहले स्थान पर है। द हॉस्पिटल हैज रिसेंटली अचीव द रिमार्केबल फीट ऑफ बींग रैंक नंबर वन इन द बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन एमर्जिंग कैटेगरी, बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एमर्जिंग कैटेगरी में जो आता है एस्टर मेडिसिन उसमें वहाँ पर टॉप किया है और एक नंबर पर है वो। और जो कैटेगरी है वो किसके द्वारा पब्लिश किया गया है? वो पब्लिश किया है द वीक हैंसा रिसर्च के द्वारा वो पब्लिश किया गया है, वो 2023 को
पब्लिश किया गया है। जो फाउंडर है एजर म्यूजिक डॉक्टर आजाद मुपेन एस्टर मेडिसिडी एम्बोडिस के विजन ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी हेल्थ केयर एंड एन अफोर्डेबल कॉस्ट। जो एस्टर मेडिसिटी के फाउंडर हैं डॉक्टर आजाद मोपेन, उन्होंने कहा है कि वो उनका विजन है कि वो प्रोवाइड करेंगे क्वालिटी हेल्थ केयर, और जो कि प्रोवाइड करेंगे एक अफोर्डेबल कॉस्ट में एक क्वालिटी हेल्थ केयर प्रोवाइड करेंगे, उनका जो विजन है। अर्लियर दिस ईयर एस्टर मेडिसिटी कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट सिक्योर 49 पोजिशन इन द प्रेस्टिजियस टॉप 100 कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल इन एशिया पैसिफिक। जो एशिया पैसिफिक रीजन है वहाँ पर जो टॉप 100 कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जो 49th पोजीशन पर थे कौन, एस्टर मेडिसिटी जो है, एस्टर मेडिसिटी का जो कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो ग्लोबली 49th पोजीशन में था, जो कि टॉप 100 कार्डियोलॉजी हॉस्पिटल इन एशिया पैसिफिक रीजन में आता है। और जो सब रिकॉग्नाइज किसने किया था, जो हमारे इंटरनेशनल रिपोर्टेड न्यूज वीक है मैगजीन, उन्होंने उसको रिकॉग्नाइज किया था। उनका जो नोटेबल अचीवमेंट्स है इंक्लूड द लॉन्च ऑफ इंडिया फर्स्ट AI इनेबल्ड टेलीस्ट्रोक एम्बुलेंस। उन्होंने इंडिया का पहला AI इनेबल्ड टेलीस्ट्रोक एम्बुलेंस को लॉन्च किया है, जहां पर उसके फीचर्स हैं एडवांस रोबोटिक सर्जरी कैपेबिलिटीज उसमें है मौजूद है और अन एडवांस हार्ट वाल्व सेंटर भी उसमें मौजूद है। एस्टर मेडिसिटी होल्ड्स द डिस्टिंग ऑफ बींग द फर्स्ट JCI जॉइंट कमीशन इंटरनेशनल एक्सक्रेटेड क्वार्टरनरी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इन द स्टेट ऑफ केरला। जो एस्टर मेडिसिटी है वो फर्स्ट JCI जॉइंट कमीशन एक्रेडिटेड इंटरनेशनल एक्रेडिटेड क्वार्टरनरी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो कि स्टेट ऑफ केरला में है। केरला के स्टार्टअप जेनरोबोटिक्स रैंक्स टॉप 3 इन ग्लोबल AI समिट फॉर इंडिया स्टार्टअप्स। जो इंडियन स्टार्टअप्स के लिए जो ग्लोबल AI समिट हुआ था वहाँ पर जो केरला बेस्ड स्टार्टअप है जेन रोबोटिक्स वो टॉप 3 में शामिल है। जो जेन रोबोटिक्स की केरला बेस्ड स्टार्टअप जो जेन रोबोटिक्स वो केरला बेस्ड स्टार्टअप हैज एमर्ज एज फ्रंट रनर इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल चेंज। जो कैटेगरी है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर सोशल चेंज उसमें वो टॉप पे रहा है जेन रोबोटिक्स। द कंपनी अचीव सिग्निफिकेंट रिकॉग्निशन बाय बीइंग एडजस्ट अमंग द टॉप 3 AI स्टार्टअप्स इन इंडिया एट ग्लोबल पार्टनरशिप ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023। जो कंपनी है वो टॉप 3 में है जो AI स्टार्टअप्स है इंडिया में। जो ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2023 हुआ था वहाँ पर जो AI स्टार्टअप्स ऑफ इंडिया में जो कंपनीज वगैरह है वो ग्लोबल टॉप 3 में है। जो प्रेस्टिजियस में ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन न्यू दिल्ली फ्रॉम डिसंबर 12-14। जो ये इवेंट हुआ था जो ग्लोबल पर्सन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो सबमिट हुआ था वो कहाँ पर हुआ था, वो ऑर्गेनाइज किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा वो ऑर्गेनाइज किया गया था और वो हुआ था न्यू दिल्ली में डिसंबर 12-14 के बीच में वो इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था। जो जेन रोबोट है उन्होंने AI गेम चेंजर अवार्ड को में वो टॉप किया था, उनको अवार्ड मिला था। जो उनकी टेक्नोलॉजी थी जी गैटर रोबोटिक टेक्नोलॉजी जो है उसके लिए उनको AI गेम चेंजर का अवार्ड मिला है। द एक्लेड वॉज प्रेजेंटेड बाय एस कृष्णन सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT। जो उनको जो अवार्ड दिया गया है वो उसको प्रेजेंट किया है एस कृष्णन जो हमारे सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो है एस कृष्णन, उन्होंने उनको ये अवार्ड भेज किया था प्रेजेंट किया था। जो रीजनल डायरेक्टर ऑफ जेन रोबोटिक्स मेडिकल एंड मोबिलिटी हैं जो उनके रीजनल डायरेक्टर हैं अफसल मुटिकल, उन्होंने ये अवार्ड रिसीव किया था। द जनरल हॉस्पिटल इन केरला हैज रिसेंटली बिकम द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द कंट्री टू डेवलप GATOR। जो GATOR टेक्नोलॉजी है उसको इंडिया का पहला हॉस्पिटल बना है, जो केरला का जनरल हॉस्पिटल है वो इंडिया का पहला हॉस्पिटल बना है जिन्होंने जो जनरल हॉस्पिटल का GATOR टेक्नोलॉजी है उसको उन्होंने एडॉप्ट किया है। फेडरल बैंक एज द टॉप परफॉर्मर ऑफ द 2023 क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवार्ड। जो क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवार्ड है उसमें फेडरल बैंक जो वो टॉप परफॉर्मर रहा है इस साल का। जो इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन है ये वर्ल्ड बैंक ग्रुप हैज रिकॉग्नाइज
फेडरल बैंक का टॉप परफॉर्मर 2023 क्लाइमेट असेसमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अवार्ड फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग। जो क्लाइमेट असेसमेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है अवार्ड है फॉर क्लाइमेट रिपोर्टिंग के लिए, उसके लिए फेडरल बैंक को चुना गया है। उसको चुना है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, जो है जो वर्ल्ड बैंक का एक ग्रुप है, उन्होंने रिकॉग्नाइज किया है फेडरल बैंक को एज ए टॉप परफॉर्मर ऑफ द 2023। आउट ऑफ द टोटल 258 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ग्लोबली पार्टिसिपेट इन द क्लाइमेट रिपोर्टिंग थ्रू द CAFI, फेडरल बैंक एम वॉज ए स्टैंड आउट परफॉर्मर। जो इस सबमिट हुआ था उसमें टोटल 258 फाइनेंशियल 258 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसमें पार्टिसिपेट किए थे ग्लोबली, और उसमें जो फेडरल बैंक है वो एमर्ज विक्टोरियस हुआ था और स्टैंड आउट परफॉर्मर रहा था। फेडरल बैंक सिक्योर 2 पोजीशन ऑन द ग्लोबल स्टेज। जो फेडरल बैंक है उन्होंने टोटली 2 पोजीशन को ग्लोबली स्टेज में सिक्योर किया था। पहला जो है एक हाईएस्ट क्लाइमेट लोन अमाउंट रिपोर्टेड एंड और एक मोस्ट GHG मिटिग्रेटेड कैटेगरी, इन दोनों कैटेगरी में उनको अवार्ड मिला था। उन्होंने टॉप पोजीशन पाया था इस दो कैटेगरी में। फर्दर मोर इन साउथ एशियन रीजन्स, और साउथ एशियन रीजन में फेडरल बैंक जो उन्होंने 4 प्रेस्टिजियस रिकॉग्निशंस उनको मिला था, जो कि मोस्ट ट्रांजैक्शन रिपोर्टेड और हाईएस्ट क्लाइमेट लोन अमाउंट रिपोर्टेड और मोस्ट GHG मिटिगेटेड और बेस्ट अचीवमेंट वर्सेस क्लाइमेट टारगेट्स, इन चारों कैटेगरी में उनको टॉप परफॉर्म मिला था, जो कि साउथ एशियन रीजन में उसमें वो इन चारों कैटेगरी में टॉप किए थे। दिस अचीवमेंट अंडरस्कोर फेडरल बैंक प्रोएक्टिव एफर्ट टू एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज एंड इट्स कमिटमेंट टू मेजरिंग इन्वेस्टिंग एंड इम्पैक्टफुल क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स, और ये दिखाता है कि जो अचीवमेंट्स है फेडरल बैंक का, वो उनका जो अप्रोच है क्लाइमेट चेंज और जो इम्पैक्टफुल क्लाइमेट प्रोजेक्ट्स हैं उसके लिए वो कितना काम कर रहे हैं। बिपिन चंद्रा बैग्स चैंपियन ऑफ चेंज ओवर, जो चैंपियन ऑफ चेंज ओवर है वो उसको बिपिन चंद्रा बैग को मिला है। आईसॉफ्ट टेक्नोलॉजी विजनरी फाउंडर एंड CEO बिपिन चंद्रा, बिपिन चंद्रा जो है वो आईसॉफ्ट टेक्नोलॉजी जो है उसके फाउंडर और CEO हैं। वह ऑनर्ड विद द चैंपियंस ऑफ चेंज ओवर, कर्नाटका के द्वारा जो चैंपियंस ऑफ चेंज ओवर दिया जाता है उसमें उनको इस साल दिया गया है। जो एसीसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर इट्स आउटस्टैंडिंग लीडरशिप एंड ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट। जो एसीसॉफ्ट टेक्नोलॉजी है वो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, उसको रिकॉग्नाइज किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, जो कि उनका जो आउटस्टैंडिंग लीडरशिप और ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट है उसके लिए उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज किया गया है। जो बिपिन चंद्र है उन्होंने रिसीव्ड ए गोल्ड मेडल एंड ए सिटेशन फ्रॉम द गवर्नर ऑफ कर्नाटका श्री थबा चंद गहलोत एज ए पार्ट ऑफ फैसिलेशन, और जो इसके फैसिलेशन में है जो बिपिन चंद्रा को एक गोल्ड मेडल और एक सिटेशन मिला है, इसके द्वारा गवर्नर ऑफ कर्नाटका जो है श्री थबा चंद गहलोत उनके द्वारा उनको ये अवार्ड दिया गया है। जो उनका कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरी था इस अवार्ड के लिए, जो ज्यूरी मेंबर थे हेडेड वो हेडेड किया गया था जस्टिस KG बालकृष्णा, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड फॉर्मर चेयरमैन ऑफ NHRC सिलेक्टेड द अवार्ड से। जो इस ज्यूरी के मेंबर थे हेडेड जो हेड मेंबर थे वो कौन थे, जस्टिस KG बालकृष्णा जो हमारे फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। थ्री इंडियन आर्म फोर्सेस ऑफिसर्स ऑनर विद गोल्डन आउल एट श्रीलंका DSC SC। जो तीन इंडियन आर्म फोर्सेस ऑफिसर उनको ऑनर किया गया है गोल्डन आउल अवार्ड के द्वारा, जो कि श्रीलंका के DSC SC में उनको दिया गया है गोल्डन आउल अवार्ड। ऑन 14 दिसंबर 2023 14 दिसंबर 2023 को थ्री इंडियन आर्म फोर्सेस ऑफिसर अंडर द कमांड एंड स्टाफ कोर्स नंबर 17 एट द डिफेंस सर्विस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज इन सपुगास्कंडा श्रीलंका वेर ऑनर्ड विद द गोल्डन आउल फॉर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस। जो 14 दिसंबर 2023 की हो तीन इंडियन आर्म फोर्सेस ऑफिसर जो हैं उनको ऑनर्ड किया गया है गोल्डन आउल अवार्ड के द्वारा फॉर जो उनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस था, जो कमांड एंड स्टाफ कोर्स नंबर 17 था डिफेंस सर्विस कमांड एंड स्टाफ कॉलेज में, वहाँ पर उनको ऑनर्ड किया गया है उनके आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस के लिए। रानी विक्रमा सिंघे प्रेसिडेंट एंड कमांडर ऑफ चीफ ऑफ द आर्म फोर्सेस ऑफ श्रीलंका, श्रीलंका के कमांडर ऑफ चीफ एंड आर्म फोर्सेस के जो प्रेसिडेंट है रानी विक्रमा सिंघे, उन्होंने प्रेजेंट किया था ये अवार्ड
तो ग्रेजुएशन सेरेमनी ऑफ डीएससी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी हुआ था डीएससी कोर्स का नंबर 78 नीलू पोकुनो महिंदा राजपक्षा थिएटर इन श्रीलंका। जो उनका जो ये प्रेजेंट ग्रेजुएशन समारोह हुआ था जो उनको अवार्ड प्रेजेंट किया था वो कहाँ पर हुआ था, वो नीलम पोकुनु महिंदा राजपक्षा थिएटर में हुआ था। और उनको किसने अवार्ड किया था, उनको रानी विक्रमासिंघा ने अवार्ड प्रेजेंट किया था। और जो रानी विक्रमासिंघे उन्होंने ऑल्सो प्रेजेंट किया है कमांडेंट्स ऑनर्स एंड गोल्डन पेन अवार्ड ड्यूरिंग द इवेंट। इसी इवेंट के दौरान कमांडेंट्स ऑनर और गोल्डन पेन अवार्ड भी दिया गया है। जो तीन इंडियन ऑफिसर्स हैं वो कौन कौन हैं, वो है मेजर रोहित फ्रॉम द इंडियन आर्मी, लेफ्टिनेंट कमांडर सुनय शर्मा फ्रॉम द इंडियन नेवी और विंग कमांडर एस महाजन फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स। इन तीनों को इस तरह का अवार्ड मिला है, गोल्डन अवार्ड मिला है। जो थ्री इंडियन ऑफिसर ड्रॉप देयर रेस्पेक्टिव विंग्स अमंग द फेलो स्टूडेंट ऑफिसर फ्रॉम ओवर 10 कंट्रीज। जो ये तीन इंडियन ऑफिसर हैं उन्होंने अपने फेलो डिपार्टमेंट में उन्होंने अपने टॉप किया है, अपने रेस्पेक्टिव डिपार्टमेंट जो है वहाँ पर उन्होंने टॉप किया है। जो इंडियन नेवी के सुनय शर्मा हैं उनको कमांडेंट्स ऑनर भी मिला है इस साल का, इस सेरेमनी उनको ऑनर किया गया है कमांडेंट्स ऑनर के अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जो गोल्डन आउल अवार्ड है, जो गोल्डन आउल अवार्ड सर्वे जी टेस्टामेंट ऑफ द ऑफिसर एक्सेप्शनल एनालिटिकल स्किल स्ट्रेटेजिक थिंकिंग एंड पोटेंशियल फॉर फ्यूचर लीडरशिप। जो ये गोल्डन आउल अवार्ड वो किस लिए दिया जाता है, वो उनको दिया जाता है ताकि वो जो उन सॉल्व कर सकें अपने जो ऑफिसर्स लेवल है उनको टेस्ट करने के लिए जो उनका स्किल्स है स्ट्रैटेजिक थिंकिंग है उनका जो पोटेंशियल है फ्यूचर लीडरशिप कैटेगरी में उसके लिए उनको ये गोल्डन अवार्ड दिया जाता है। द अपॉइंटमेंट रिकॉग्नाइज द मोस्ट आउटस्टैंडिंग श्रीलंकन स्टूडेंट ऑफिसर एंड फॉरेन स्टूडेंट ऑफिसर ऑफ ईच विंग आर्मी एयरफोर्स एंड नेवी। जो तीन विंग्स होते हैं आर्मी एयरफोर्स और नेवी उन तीनों कैटेगरी में से ये अवार्ड दिया जाता है, रिकॉग्नाइज करते हैं जो मोस्ट आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट्स होते हैं उनको ये दिया जाता है, वो श्रीलंका और जो फॉरेन कंट्री के स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं वहाँ पर उनको ये अवार्ड दिया जाता है। और जो कमांडेंट ऑनर्स है कमांडेंट अवार्ड इज प्रेजेंटेड टू ऑफिसर्स विद द हाईएस्ट एग्रीगेट इन ओवरऑल ग्रेडिंग। जो उनका जो वहाँ पर स्टूडेंट्स वगैरह उनको हाईएस्ट एग्रीगेट ग्रेडिंग रहता है ओवरऑल ग्रेडिंग रहता है उनको कमांडेंट ऑनर्स दिया जाता है उसके लिए। जो कोर्स का जो टाइम में जो ट्रेनिंग रहता है एंटायर कोर्स ऑफ ट्रेनिंग जो रहता है उसमें उनके जो परफॉर्मेंस रहता है जो एग्रीगेट परफॉर्मेंस रहता है ओवरऑल एग्रीगेडिंग के लिए उसके लिए उनको कमांडेंट ऑनर्स का अवार्ड दिया जाता है। जो गोल्डन पेन अवार्ड है वो प्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट ऑफिसर हु प्रोड्यूस द बेस्ट कमांडेंट रिसर्च पेपर फॉर द थ्री विंग्स। और जो थ्री विंग्स रहते हैं उनकी जो कमांडेंट्स रिसर्च वगैरह होते हैं उसमें जो बेस्ट प्रोड्यूस करता है बेस्ट जो रिसर्च पेपर को देता है उनके लिए उनको गोल्डन पेन अवार्ड दिया जाता है। जो डिफेंस सर्विस कमांडेंट स्टाफ कॉलेज है वो एक हाईएस्ट रीड मिलिट्री लर्निंग मिडिल ग्रेड ऑफिसर्स ऑफ ट्राई फोर्सेस है, वो एक हाईएस्ट कॉलेज है जो कि जो हमारे ट्राई फोर्सेस रहते हैं आर्मी एयर और नेवी उनको वहाँ पर उसको ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको लर्निंग करते हैं वहाँ पर। इट एम्स टू डेवलप द प्रोफेशनल नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग स्टूडेंट ऑफिसर्स ऑफ द ट्राई सर्विस श्रीलंका पुलिस फ्रेंडली फॉरेन कंट्रीज एंड अदर स्टेट एजेंसी एंड प्रिपेयर देम अपॉइंटमेंट कमांडेंट एंड स्टाफ टू द स्टेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स इन द पब्लिक सेक्टर। जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स बताए थे पब्लिक सेक्टर में वहाँ पर उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए वहाँ पर उनको ट्रेनिंग किया जाता है और उनको बताया जाता है कि वो कैसे होते हैं सब। जो डी एस सी एस सी कोर्स नंबर है 17 है वो क्या है, वो डी एस सी एस सी कोर्स नंबर जो है 17 वो 148 अंडर ग्रेजुएट्स विच इंक्लूड्स 123 ऑफिसर्स फ्रॉम श्रीलंका। जो वहाँ पर 148 अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स थे जो कि 123 जो हैं वो श्रीलंका से बिलोंग करते हैं, जो 72 हैं आर्मी से 26 ने भी 24 एयरपोर्ट और पुलिस ऑफिसर से बिलोंग करते हैं और बाकी जो 25 हैं वो फॉरेनर्स हैं फ्रॉम बांग्लादेश से 2 इंडिया से 3 इंडोनेशिया से 1 मालदीव से 2 नेपाल से 2 पाकिस्तान से 2 रवांडा से 1 सऊदी अरब से 10 सेनेगल से 1 और जाम्बिया से 1 और टोटल मिलाकर 148 जो अंडर ग्रेजुएट्स थे उसमें इस कोर्स में पार्टिसिपेट किए थे। वो श्रीलंका है, श्रीलंका का कैपिटल गए श्रीलंका का कैपिटल सीज वदनापुरे कोटे जो कि लेजिस्लेटिव कैपिटल है और जो कोलंबो है वो उनका एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है और उनके प्राइम मिनिस्टर है दिनेश गुणवर्धन है, उनका करेंसी है श्रीलंकन रुपी। विजय हजारे ट्रॉफी
जो इस साल का विजय हजारे ट्रॉफी था, जो इंडियन डोमेस्टिक क्रिकेट था, वनडे कंपटीशन जो था, इस बार चैंपियन बने हैं वो वहाँ पर हरियाणा, जो हरियाणा स्टेट टीम है वो वहाँ पर चैंपियन बने हैं। इस साल के विजय हजारे ट्रॉफी चैंपियन बने हैं। उन्होंने राजस्थान को हराया था, कहाँ पर? सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम राजकोट में, वहाँ पर राजस्थान को हरा के इस साल के वो चैंपियन बने हैं। जो सुमित कुमार थे, उनके आउटस्टैंडिंग ऑलराउंड परफॉर्मेंस के लिए उनको प्लेयर ऑफ द मैच और प्लेयर ऑफ द सीरीज अवार्ड मिला है। प्लेयर ऑफ द मैच उनको फाइनल में मिला था, जो फाइनल हरियाणा और राजस्थान के बीच में होता है, और प्लेयर ऑफ द सीरीज वो टूर्नामेंट में उनको मिला है। वो टूर्नामेंट उनका जो ऑलराउंड परफॉर्मेंस था उसके देखकर उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज भी अवार्ड मिला है। IAF सक्सेसफुली टेस्ट फायर समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इन आंध्र प्रदेश। जो इंडियन एयरफोर्स है उन्होंने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है जो सरफेस टू एयर मिसाइल है फॉर एडवांस डिफेंस एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। जो सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर एश्योर्ड रिटेलिएशन है समर, उसको इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है। तो एप कंडक्टेड द सक्सेसफुल फायरिंग ट्रायल्स ऑफ द समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम ड्यूरिंग द अस्त्र शक्ति 23 एक्सरसाइज एट एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका। जो अस्त्र शक्ति 2023 का एक्सरसाइज हो रहा था एयरफोर्स स्टेशन सूर्यलंका में, वहाँ पर उन्होंने इंडियन एयरफोर्स ने सक्सेसफुली उसको फायरिंग ट्रायल किया है। जो समर है ये क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जो इंडस्ट्रियली क्रैफ्टेड बाय द IAF 7 बेस रिपेयर डेपो एंड 11 BRD इन कोलाबोरेशन विद सिम्बलॉन फोटेक इंडस्ट्रीज एंड यामाजुकी डेंकी। जो ये समर है वो डेवलप किया गया है, इंडस्ट्री मिलकर उसको डेवलप किया है, IAF 7 बेस रिपेयर डेपो और 11 बेस रिपेयर डेपो जो है उन्होंने मिलकर किसके साथ, सिमरन फ्लोटेक इंडस्ट्रीज और यामाजुकी डेंकी जो है उनके साथ मिलकर इसको डेवलप किया है। द समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम इक्विप्ड विद अ रिफर्बिश्ड ओल्ड रशियन ओरिजिन VMPL R-73E इंफ्रारेड गाइडेड एयर टू एयर मिसाइल बीन वायलेटेड फॉर इंडक्शन। जो ये समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है वो रिफर्बिश्ड किया गया, जो ओल्ड ओरिजिन VMPL R-73 था, जो रशियन ओरिजिन जो था VMPL R-73 उसको रिफर्बिश्ड किया गया है और उसको अपडेटेड किया गया है, समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम के रूप में उसको अपडेटेड किया गया है। जो एप उसका है लेटर द समर सिस्टम जो है उसका जो रेंज है 3 hours द मिसाइल ऑपरेटिंग एट ए स्पीड ऑफ 2 to 2.5 Mach, जो उसका स्पीड है 2 to 2.5 Mach तक रहेगा। PM नरेंद्र मोदी लॉन्चेस सेकेंड एडिशन ऑफ काशी टाइम संगमामी वाराणसी। जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने लॉन्च किया है सेकेंड एडिशन ऑफ काशी टाइम संगमम इन वाराणसी। जो सेकेंड एडिशन है काशी टाइम संगमम का वो वाराणसी में उनको लॉन्च किया है। ऑन ए वाइब्रेंट संडे इन वाराणसी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड द सेकेंड एडिशन ऑफ काशी तमिल संगमम ए कल्चरल एक्सटेंशन एम्ड एट फोस्टरिंग द कल्चरल टाइज बिटवीन वाराणसी एंड तमिलनाडु। जो सेकेंड एडिशन है काशी टाइम संगमम का वो वाराणसी में लॉन्च किया गया है हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा, जो कि इस संडे को उन्होंने उसको लॉन्च किया है। ड्यूरिंग द इवेंट PM मोदी ऑल्सो फ्लैग्ड द काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस ए ट्रेन सर्विस कनेक्टिंग वाराणसी एंड कन्याकुमारी सिंबलाइजिंग द यूनिटी ऑफ द डाइवर्स कल्चर विद इन इंडिया। और इसी इवेंट के दौरान PM मोदी ने फ्लैग ऑफ किया है काशी तमिल संगमम एक्सप्रेस को भी, उन्होंने फ्लैग ऑफ किया है जो कि कनेक्ट करता है वाराणसी टू कन्याकुमारी को। जो इनॉग्रेशन समारोह है वो हेल्ड किया गया था नमो घाट में, उसने द प्रेजेंस ऑफ डिग्नेटरीज इंक्लूडिंग उत्तर प्रदेश चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड अदर प्रोमिनेंट लीडर। जो इनॉग्रेशन समारोह था वो नमो घाट में हुआ था, और वहाँ पर जो हमारे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ और जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर्स हैं धर्मेंद्र प्रधान वो वहाँ पर मौजूद थे। द सेकेंड एडिशन ऑफ काशी तमिल संगम शेड्यूल फ्रॉम December 17 to 30 इज पार्ट ऑफ द एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगमम प्रोग्राम। और ये जो सेकेंड एडिशन ऑफ काशी तमिल संगम है वो किसका पार्ट है, एक भारत श्रेष्ठ भारत युवा संगम प्रोग्राम जो है उसका वो पार्ट है, और ये December 17 to 30 तक किया जाएगा, ये जो वहाँ पर मनाया जाएगा। द फर्स्ट एडिशन ऑफ काशी तमिल संगम वॉज हेल्ड फ्रॉम
नवंबर 16 टू दिसंबर 16, 2022, और जो पहला एडिशन था वो नवंबर 16 से दिसंबर 16 तक मनाया गया था 2022 में। TIWB लॉन्च सेंट लुसिया प्रोग्राम विद इंडिया एज द एडमिनिस्ट्रेशन पार्टनर। जो टैक्स इंस्पेक्टर विथाउट बॉर्डर्स है उन्होंने ज्वाइंट इनिशिएटिव किया, जो एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, जो UNDP है उनका एक जो ज्वाइंट इनिशिएटिव है इनोवेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, लॉन्च ए सिग्निफिकेंट प्रोग्राम इन सेंट लुसिया ऑन 14 दिसंबर 2023। जो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है UNDP और जो ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट है OECD उनका एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है टैक्स इंस्पेक्टर विथआउट बॉर्डर्स, उन्होंने लॉन्च किया है एक सिग्निफिकेंट प्रोग्राम लॉन्च किया है कहाँ पर, सेंट लुसिया में 14 दिसंबर 2023 को उन्होंने उसको लॉन्च किया था। जो इंडिया नोन जाना जाता है उनको एक्सपर्टाइज इन टैक्स मैटर्स में, जिनका एक्सपर्टीज है उसके लिए वो जाना जाते हैं उसको, इसलिए उसको चुना गया है, इस इंडिया को चुना गया है एज पार्टनर एडमिनिस्ट्रेशन, तो एडमिनिस्ट्रेशन पार्टनर के रूप में इंडिया को इस साल चुना गया है। द प्रोग्राम्स गोल टू एम्पावर एंड एनहांस सेंट लुसिया टैक्स इंस्पेक्टर, और ये जो प्रोग्राम किया गया है वो किस लिए करेगा, उसका जो गोल है वो एम्पावर और एनहांस करेगा जो सेंट लुसिया टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको एम्पावर और एनहांस करने के लिए ये प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है। जो TIWB प्रोग्राम है इन सेंट लुसिया सेट टू स्पान फ्रॉम 12 to 18 months, और जो ये प्रोग्राम है वो 12 से 18 month तक सेंट लुसिया में किया जाएगा, ये प्रोग्राम को चलाया जाएगा। ड्यूरिंग विच इंडिया इन कोलाबोरेशन विद TIWB सेक्रेटरी एंड द सपोर्ट ऑफ UNDP कंट्री ऑफिस बारबाडोस एंड द ईस्टर्न कैरेबियन एम्स टू एम्पावर सेंट लुसिया इन एनहांसिंग इट्स टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, और इसी प्रोग्राम के तहत जो 12 से 18 मंथ तक मनाया जाएगा वहाँ पर इंडिया जो है उसका एक एडमिनिस्ट्रेटिव पार्टनर के रूप में हेल्प करेगा UNDP को, ताकि जो सेंट लुसिया का जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन उसको कैसे एनहांस किया जाएगा और उसको एम्पावर किया जाएगा, इसके लिए वो हेल्प करेगा वहाँ पर इंडिया। जो उसका प्राइमरी फोकस है ऑफ द प्रोग्राम टू फैसिलिटेट एंड ट्रांसफर ऑफ टेक्निकल एंड स्किल स्टूडेंट द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट लुसिया, जो प्राइमरी फोकस है इस TIWB प्रोग्राम का उसका क्या है, जो कि फैसिलिट करेगा जो उनका टेक्निकल नॉलेज और स्किल्स है वहाँ पर फैसिलिट ट्रांसफर किया जाएगा टू स्ट्रेंथन द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सेंट लुसिया, जो सेंट लुसिया का टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए जो स्किल्स और टेक्निकल नॉलेज वगैरह चाहिए उसके लिए वो वहाँ पर फोकस करेंगे, और उसका प्राइमरी गोल वो रहेगा कि कैसे उसको जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन है उसको स्ट्रेंथन किया जाएगा सेंट लुसिया का। तो थोड़े इंपॉर्टेंट न्यूज़ वगैरह देख लेते हैं आज के। इंडसइंड बैंक लॉन्चेस द इंडिया सोलिटायर प्रोग्राम फॉर द डायमंड इंडस्ट्री प्रोवाइडिंग एक्सक्लूसिव बेनिफिट्स लाइक 24/7 लॉकर एक्सेस फैमिली अकाउंट एडवांस एंड 0 cross currency मार्कअप फीस। जो इंडसइंड बैंक है उन्होंने लॉन्च किया है इंडियन इंडस सोलिटायर प्रोग्राम फॉर डायमंड इंडस्ट्री, जो डायमंड इंडस्ट्री वगैरह है उनके लिए जो इंडसइंड बैंक है उन्होंने लॉन्च किया है इंडस सोलिटायर प्रोग्राम, जो कि प्रोवाइड करेगा 24/7 लॉकर एक्सेस फैमिली अकाउंट एडवांस और 0 cross currency मार्कअप, ये सब जो सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड करेगा इस प्रोग्राम के तहत। जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने इनॉग्रेट किया है एक 402 किलोमीटर ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कनेक्टिंग न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन टू न्यू भावपुर जंक्शन ऑन द दिल्ली हावड़ा रेल रूट। जो दिल्ली हावड़ा रूट रेल रूट में है जो न्यू दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन और जो नया भावपुर जंक्शन है वहाँ पर उन्होंने एक को जो डेडिकेट कॉरिडोर है उसको प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया है, वो 402 किलोमीटर का है जो नया कॉरिडोर बना है। रूबेन अजर करेंटली इसराइल एम्बेसडर टू रोमानिया इज अपॉइंटेड एज द न्यू एम्बेसडर टू इंडिया। जो रूबेन अजर है वो जो इसराइल के एम्बेसडर थे रोमानिया के लिए उनको अपॉइंट किया गया है इंडिया का नया एम्बेसडर चुना गया है, जो इसराइल टू रोमान इंडिया के लिए उनको चुना गया है विद एडिशनल रोल्स एज नॉन रेसिडेंट एम्बेसडर टू श्रीलंका एंड भूटान, और उनको जो एडिशनल रोल्स वगैरह भी दिया गया है नॉन रेसिडेंट एम्बेसडर टू श्रीलंका और भूटान के लिए भी उनको चुना गया है, अपॉइंट किया गया है इसराइल गवर्नमेंट के द्वारा। इन ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड एड्रेसिंग द प्रेसिंग इश्यूज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग एंड प्रोमिनेंट सस्टेनेबिलिटी एजुकेशन रिसर्च एंड आउटरीच, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर और कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जॉइंटली फोर्स टू एस्टैब्लिश कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी।
जो हमारा एड्रेस ग्लोबल वार्मिंग है, जो प्रमोट करने के लिए सस्टेनेबल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर है, IIT कानपुर जो है, उन्होंने कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मिलकर दोनों ने क्या है कहा है कि वो एस्टैब्लिश करेंगे कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी जो है वो वहाँ पर एस्टैब्लिश करेंगे वो दोनों मिलकर, जो कि जो हमारे ग्लोबल वार्मिंग के इश्यूज हैं और सस्टेनेबल एजुकेशन जो है उसको प्रमोट करने के लिए वो दोनों मिलकर कोटक स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी का एस्टैब्लिश करेंगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मार्क ए हिस्टोरिक मोमेंट ऑन मंडे एज ही इनॉग्रेटेड द स्वर्भेत महामंदिर इन उमराहा वाराणसी। जो वाराणसी के उमराहा में हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी उन्होंने इनॉग्रेट किया है स्वर्भेत महामंदिर का, उन्होंने वहाँ पर इनॉग्रेट किया है। जो न्यूली कंस्ट्रक्शन मेडिटेशन सेंटर है वो एक मेडिटेशन सेंटर है, जो स्वर्भेत महामंदिर है वो एक मेडिटेशन सेंटर है। स्टैंड टॉलर 7 फ्लोर उनका बिल्डिंग है, वो 7 फ्लोर का है और जो एकोमोडिंग इम्प्रेसिव 20,000 डिवोटीज एट ए टाइम फॉर मेडिटेशन। और जो स्वर्भेत महामंदिर है वो एक साथ में 20,000 डिवोटीज एक साथ में वहाँ पर मेडिटेशन कर सकते हैं और वो उमराहा वाराणसी में बनाया गया है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसे डेली करंट अफेयर को वीडियो आपको रोज़ मिल सके। थैंक यू।